हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। आज हम क्लास फर्स्ट की स्टडी करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश का है। वीडियो नंबर हमारी कौन सी है? सेकंड है, चैप्टर वन की। ये हमारी बुक है इजी गोइंग, ठीक है। इसमें हर सब्जेक्ट दे रखे हैं, हर सब्जेक्ट दे रखे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम हर सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर सेकेंड, और पैराग्राफ जो होगा हमारा, पैराग्राफ हमारा जो होगा वीडियो नंबर सेकेंड का थर्ड पैराग्राफ होगा, पर होगी हमारी वीडियो नंबर सेकेंड। Give me the consent, so I never heard. Give me the knowledge, so I take care of animal and nature. Nature माने क्या होते हैं? प्राकृतिक होती है, एनिमल जानवर। नॉलेज माने क्या होती है? बुद्धि होती है। कॉन्सेंस मीन्स होती है अंतरात्मा की आवाज़, जो होती है ना, जो अंदर से बोली जाती है वो होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या बोला गया है? मुझे विवेक दो, मैं इसलिए मैं कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा किसी को भी। मैं क्या इसमें बोल रहा है? भगवान से प्रार्थना जो बच्चा कर रहा है ना, वो कह रहा है कि भगवान मेरे को अंतरात्मा से आवाज़ जो आ रही है उसकी, वो कह रहा है कि भगवान मैं किसी को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे ऐसा ज्ञान दो, किसी को भी मैं हर्ट नहीं करूँगा। सो आई टेक केयर ऑफ एनिमल एंड नेचर, ठीक है। मैं किस किस का ख्याल रखूँगा? मैं मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं जानवरों का और प्रकृति का अच्छे से ख्याल रख सकूं। तो इसमें भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है। ये जो बच्चा है ना, वो हर चीज़ की भगवान से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बुद्धि दो, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, मैं ऐसे सीखूंगा। मतलब आप देखते हो ना, अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है तो आप भगवान से ऐसे बोलते हो कि भगवान मुझे ये दो कि मैं ये नहीं करूंगा, या भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दो, या भगवान मेरे को मतलब ये चीज़ दो तो मैं ये नहीं करूंगा। तो इसमें जो बच्चा है वो बहुत ही प्रेम भाव के साथ, बच्चे जो होते हैं, और ये जो बच्चा है वो प्रेम भाव के साथ भगवान से प्रेयर कर रहा है, अपनी अंतरात्मा से की जो आवाज़ है उसको सुनकर बोलता है कि मैं कभी भी जानवरों को, प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को हर्ट नहीं करूंगा, ऐसा वो बोलता है। प्रार्थना करते करते बोलता है किससे? भगवान से। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, गिव मी द राइट फूड। आई वॉन्ट टू ग्रो अप सून एंड इन द वर्ल्ड डू गुड। ओ लॉर्ड, सो आई प्रे टू यू। इसमें फिर से वही लाइन रिपीट की गई है, भगवान से वो बच्चा फिर से बोलता है कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मुझे सही भोजन दो, मैं जल्द ही बड़ा होना चाहता हूँ और दुनिया में अच्छा करना चाहता हूँ कार्य है भगवान, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हर चीज़ की भगवान से वो प्रेयर कर रहा है, भोजन के लिए कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐसी शक्ति दो, बुद्धि दो, जिससे कि मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। मतलब सब चीज़ की वो भगवान से प्रेयर कर रहा है। तो बेटा आज हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ओ लॉर्ड, आई प्रेयर टू यू, भगवान से जो बच्चा प्रेयर करता है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है टू पैराग्राफ में। अगर किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। हेल्दी माने क्या होता है? स्वस्थ होता है। फूड माने आप पता है भोजन होता है। गुड माने अच्छा होता है। प्रेयर माने प्रार्थना होती है। ग्रो माने होता है बढ़ना। आई वॉन्ट टू ग्रो मतलब बढ़ना चाहता है वो, ठीक है। राइट माने सही होता है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ वर्ड है जो आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे। जो वर्ड नहीं पता हो उन पे अंडरलाइन करना, और बाद में आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। इससे रिलेटेड कुछ वर्क दे रही हूँ जो आपको अपनी बुक में ही करने हैं। दो वर्क दे रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, आपको अपनी बुक में ही नीट एंड क्लीन करना है। वैसे मैंने फिल कर रखा है, अगर प्रॉब्लम होती है तब भी आप पूछ सकते हो। तो बाय स्टूडेंट।